फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस जो चल रहा है वो है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हमने एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो भी पढ़ लिए, और जो 2 अंक का क्वेश्चन आता है आपका, 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2-2 अंक वाले हम क्वेश्चन को अब कंप्लीट आपके लिए करा रहे हैं। इसके बाद 4 अंक वाला क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम 6 अंक वाले क्वेश्चन भी को भी कराएंगे। तो कुछ मौखिक क्वेश्चन दे रखे थे इसमें वाइवा के हिसाब से, जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने, वो मौखिक क्वेश्चन पूछता है, वाइवा संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बेटा, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा दे रखा है वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गाय के शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो गाय के शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना था। जैसे गाय के शरीर का मुख्य भाग कौन कौन से हैं, पहला देखिए सिर हो गया, सिर के बाद गर्दन, धड़, अगले तथा पिछले पैर और पूंछ, ये जो है ये मुख्य भाग हैं। देखो, गाय के भाग तो बहुत हैं, ठीक है। एक किसी दिन मैं आपका अगली वीडियो में या किसी भी दिन गाय का जो पूरा डायग्राम है वो आपको दिखाऊंगा और उसके भाग बताऊंगा कौन कौन से भाग हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक शब्द लग गया मुख्य भाग, तो जो मेन भाग हैं आप सिर बता सकते हो, गर्दन बता सकते हो, धड़ बता सकते हो, अगले तथा पिछले पैर और पूंछ, इतना आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को समझो, गाय तथा भैंस में कितने कितने जोड़े होते हैं। यहाँ पे गाय तथा भैंस में कितने कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो देखो, जो गाय है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 30, कितनी होती है 30, और भैंस में होती है गुणसूत्रों की संख्या 25 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात हो रही है, 30 और 25 जोड़े, 30 का मतलब है 60 हो गए और 25 का मतलब है 50 हो गए, ठीक है। ये 25 जोड़े हैं, तो 25 जोड़ों का मतलब 50 क्रोमोसोम हो गए, ये 30 गुणसूत्र मतलब 30 जोड़ी गुणसूत्र है, तो ये कितने हो गए, 60 गुणसूत्र हो गए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अच्छे बैलों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आपको यूपी के अंदर अच्छे बैल चाहिए तो अच्छे बैल को लेने के लिए मुख्य पशु मेला, जैसे बटेश्वर ये आगरा में लगता है, नेक्स्ट है मकनपुर, ये कानपुर में पड़ता है, और नेक्स्ट है देवा, ये पड़ता है बाराबंकी में। ये पशुओं के मुख्य मेले हैं, यहाँ से आप बैलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन कह रहा है, दोहन के समय अयन को किस प्रकार लोशन से धोना चाहिए। तो भाई, दोहन के समय अयन को किस लोशन से धोना चाहिए, तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज को आप अच्छे से समझिए, जो भी मौखिक क्वेश्चन है इन्हें आप समझिए, ये आपके यूपी कैडेट के भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, यहाँ से 2-1 क्वेश्चन अवश्य आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गाय के पवासने की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है। तो आपको पता क्या है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये गाय को पसावने की क्रिया यानी दूध को उतारने की क्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है, गाय के दूध दोहन के समय दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, कह रहा है गाय के दूध दोहन के समय दूध चढ़ाने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनेलाइन एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो, दूध दोते समय दोहन के आरंभ के दूध तथा अंतिम दूध में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। दूध दोते समय दोहन के प्रारंभ के दूध दूध दोते समय दूध के आरंभ के दूध
और अंतिम दूध में पूछ रहा है वसा की प्रतिशत मात्रा, तो भाई जो प्रारंभ में वसा की मात्रा है वो 1% है और अंत में है वो 8.5% है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है दुग्धशाला को कौन से घोल द्वारा रोगाणु रहित किया जाता है। दुग्धशाला को कौन से घोल द्वारा रोगाणु रहित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फिनाइल के घोल के द्वारा। क्या हो जाएगा? फिनाइल के घोल के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है, तो गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि अथवा मुट्ठी बांधकर। ठीक है, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को जन्म के समय खीस क्यों पिलाई जाती है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जन्म के समय खीस क्यों पिलाई जाती है, उसका मतलब समझो। खीस दस्तावर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हल्का दस्तावर होता है। इसमें रोग से बचाव की शक्ति होती है। विटामिन ए, खनिज लवण तथा प्रोटीन साधारण दूध से अधिकता होती है। साधारण दूध की अपेक्षा जो खीस है उसमें विटामिन ए, खनिज लवण और प्रोटीन की क्या होती है, अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए वो आपसे कह रहा है कि भाई प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए को प्रतिदिन कितना खीस पिलाना चाहिए, यानी हर दिन कितना खिलाना चाहिए। तो बच्चे के शरीर का भार का 1/10 भाग, कितना कह रहा है, बच्चे के शरीर के भार का कितना भाग, 1/10 भाग, लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन, 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन, दिन में 2 या 3 बार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के पशु को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है। प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के पशु को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो 500 किलोग्राम शरीर भार तक 2.5% और उसके बाद 3%। अगला क्वेश्चन है आपका, एक भैंस का ब्याह काल कितने दिन का होता है। तो जो भैंस है उसका ब्याह काल लगभग होता है 300 दिन का। कितने दिन का? 300 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। कह रहा है पशु को क्यों गिराते हैं, तो भैया पशु को क्यों गिराएंगे, ऑपरेशन करने हेतु। जब आप ऑपरेशन करोगे तो पशु को गिराओगे। सेकंड है नाल लगाने के लिए, किसके लिए, नाल लगाने के लिए। ठीक, पशु को क्यों गिराते हैं, ऑपरेशन करने हेतु और नाल लगाने हेतु। थर्ड है सींग रोदन हेतु, सींग रोदन करने के लिए अभी आपको पशु को गिराना पड़ेगा। नेक्स्ट है बधिया करने हेतु, अगर आप बछड़े को बधिया करोगे तो भी पशु को गिराना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इस पर बेटा स्टाल लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पशुओं के सींग रोदन में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, तो पशुओं के सींग रोदन में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, वो है कास्टिक पोटास, यानी KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को गिराने की अच्छी विधि कौन सी है, तो पशुओं को गिराने की अच्छी विधि है वो कौन सी है, परिवर्तित रियूफक्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो आप, अगला क्वेश्चन है गाय में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात की जाती है। गाय में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया आपका, अब आंसर समझो। कॉक्सीजियल धमनी के ऊपर दो उंगलियां रखकर। अगला क्वेश्चन है NDRI का पूरा नाम लिखिए, तो NDRI का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है आपका IBRI का पूरा नाम लिखिए, तो IBRI का पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये बरेली यूपी में, इज्जत नगर बरेली यूपी। नेक्स्ट है आईडीडी का पूरा नाम, तो आईडीडी का जो पूरा नाम है वो है इंडियन डेयरी डिप्लोमा, इंडियन डेयरी डिप्लोमा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी विषधोन निषेचक दवा का उदाहरण लिखिए। तो किसी एक प्रतिजैविक कौमा प्रतिरोधी कौमा विषधन निषेचक दवा का उदाहरण, तो समझो एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैव की आपके पेनिसिलिन है, प्रतिरोधी आयोडीन कौमा बोरिक एसिड, विधवन साइनाइड विस्में लोहे लवण, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है। तो जो अधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं वो हैं साहिवाल और सिंधी। तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए। नंबर 23वां नंबर है कि द्विप्रायोजन वाली गाय की नस्ल का नाम लिखो, तो द्विप्रायोजन वाली गाय की नस्ल का नाम है वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपका गाय कौमा भैंस भेड़ तथा बकरी का गर्भकाल लिखो। गाय भैंस कौमा बकरी का गर्भकाल लिखो, तो गाय का है 282 दिन, भैंस का है 370 दिन, बकरी का है 145 से 150 दिन और भेड़ का है 150 दिन। ये भी स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गाय भैंस तथा बकरी का क्या पूछ रहा है, गर्भकाल, ये आपको ध्यान रखना है। गाय का कितना, 282 दिन, भैंस का 307 दिन, बकरी का 145 से 150 और भेड़ का 150 दिन। अगला क्वेश्चन है पशुओं में कब्ज दूर करने की एक दवा बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग सल्फ। चलिए अगला समझिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है पशु के पेट में अफारा हो जाने पर पेट से गैस निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको पता है भाई, पशु के पेट में अफारा हो जाने पर पेट से गैस निकालने के लिए कौन सा यंत्र, तो ट्रोकार एवं कैनुला। ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा इसमें देखिए इंडियन फार्मिंग और दूसरा हो जाएगा इंडियन डेयरी मैन। देखो बेटा, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 28। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था थ्योरी में कि भाई गाय के अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो गाय के अमाशय के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। फर्स्ट है र्यूमेन, सेकंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम और फोर्थ है एबोमेसस। नेक्स्ट है गाय की आंत की लंबाई कितनी होती है। गाय के अंदर जो आंत है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 55 मीटर के लगभग होगी। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है बिना जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं। तो जो बिना जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे कुत्ता, घोड़ा, गधा, पिग आदि, PIG जिसे बोलते हैं, PIG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्मियों में उपलब्ध कुछ चारों के नाम बताओ। यानी गर्मियों के मौसम में उपलब्ध कुछ चारों के नाम बताना है, तो वो गर्मी वाले जो चारा हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका बाजरा, के बाद मक्का, इसके बाद ज्वार, चरी या ग्वार आदि, यानी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको चारा भी ध्यान रखना है, ये गर्मी के मौसम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है
कि भाई गाय की दुग्धशरा में क्या बहता है, यानी जो गाय है उसकी दुग्धशरा में क्या बहता है, तो उसमें बहता है रक्त यानी ब्लड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बकरी में प्रथम व्यात की आयु कितनी होती है? जो बकरी है, बकरी में प्रथम व्यात की जो आयु है वो कितनी होती है? तो 1 से 2 वर्ष होती है। किसकी बात हो रही है? बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को आप समझो। जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में कितने कृंतक दंत पाए जाते हैं? यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, तो जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में कितने कृंतक दंत पाए जाते हैं? तो 4 जोड़ी से लेके 8 कृंतक दंत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक भैंस के सींग में 5 छल्ले हैं, उसकी उम्र कितनी होगी? अगर देखो यहाँ पे समझो आप, वो कह रहा है एक भैंस है, एक भैंस के सींग में कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, तो उसकी उम्र कितनी होगी? ठीक। तो भैंस की जो अनुमानित आयु है, अब यहाँ पे देखो वो अनुमानित आयु वो कह रहा है कितने हैं, 5 छल्ले हैं, तो देखो दो यहाँ पे लिखा है आयु, आपको निकालनी है भैंस की अनुमानित आयु बराबर, यानी 3 सही 1/2 प्लस छल्लों की संख्या, प्लस छल्लों की संख्या, ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। एक भैंस के सींग में 5 छल्ले हैं, उसकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 सही 1/2 प्लस इसमें 5 छल्ले आप ऐड कर दो। 5 छल्ले क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक। तो आपका कितना बनेगा? देखो 2 3 6, 2 3 चलिए समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए आप ये क्वेश्चन जो समझ रहे थे ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये था 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अगर आप इस हिसाब से करोगे 7/2 तो ये नहीं होगा। ठीक है, आप करोगे आप 2 5 10, 10 7 17, 17/2 कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 7 17, ये हो जाएगा 17/2। अब यहाँ पे देखो 17/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या देखोगे आप? देखो 2 8 16 और 1 17, 17/2 हो गया। अब आप 17/2 को इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 17 और ये 2 से क्या करना है? भाग देना है। 2 8 कितना हुआ? 16, बचा 1। तो ये जो 8 है ये कहाँ जाएगा? सही में, यानी 8 सही 1/2 आपका हो जाएगा वर्ष। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गाय के मुख में यानी मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो गाय के मुख में होते हैं, आपको पता है, 32 दांत होते हैं। ये आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु को पूंछ रहित किया जाता है? देखो किस पशु को पूंछ रहित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस यानी विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताओ। तो जो ये जो 2 रोग आप देख रहे हो, खुरपका मुंहपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पशु प्लेग भी काफ़ी अच्छा है। ये क्या है? दोनों जो हैं वो वायरस यानी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय में स्थायी केंद्रीय कृंतक दंत कितनी आयु में निकलते हैं? गाय में स्थायी केंद्रीय कृंतक दंत जो है वो कितनी आयु तक निकलते हैं? तो 2 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन है, 2 संकर नस्ल गायों के नाम बताइए। तो 2 संकर नस्ल की गायों के नाम हैं वो देखिए दे रखा है, करण स्विस और करण फ्राइज। आप कुछ भी याद रख सकते हैं, और भी है संकर नस्ल की गायों के नाम, लेकिन यहाँ देखिए दोनों सिंपली पढ़ेंगे, दोनों एक ही टाइप के लग रहे हैं आपको। करण स्विस आपको बताना है और करण फ्राइज बताना है। फ्राइज को ऐसे करके याद रख दो, करण प्राइज से फ्राइज जरूर आएगा। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सी मुर्गी अच्छी है? तो वो है वाइट लैंग हार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है,
बुलनोज रिंग किस काम में आता है? तो जो बुलनोज रिंग है किस काम में आता है? वो आता है साढ़ के नियंत्रण के लिए नाक में डाला जाता है। किस लिए? साढ़ के नियंत्रण के लिए नाक में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय दूने में अधिक से अधिक कितना समय लगना चाहिए? तो गाय दूने में कम जो समय है वो 5 से 7 मिनट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बेटा वीडियो को लाइक नहीं कराया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऐसी कौन सी भैंस है जिसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है भदावरी भैंस के दूध में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? स्टार लगाइए। अगर हम विश्व के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है वो प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन समझिए, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है? विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की जो कौन सी नस्ल है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, लगभग मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आपके लिए अभी एक वीडियो और अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें भी दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, या फिर एक नंबर का ऑब्जेक्ट वाला भी क्वेश्चन वहाँ से फंस सकता है। और एक वीडियो के बाद जो हम पढ़ेंगे वो चार चार नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 12 नंबर के, उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक। जिससे घर बैठे, देखिए लॉकडाउन है भाई, कॉलेज ऑफ है, अभी आप घर पे पढ़िए, आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।